हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम ट्रिक्स में। दोस्तों यहां पे बड़ी और ताज़ा खबर आ रही है, यूपी बोर्ड फेल हुए तो भी मिलेगा पास होने का मौका। दोस्तों खबर आ रही है हमारी अमर उजाला से, अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे खुली हुई है। अपडेटेड हुई थी खबर 4 तारीख को, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों, फेल हुए छात्रों को भी मिलेगा पास होने का मौका। दोस्तों क्या बताया गया है इस पूरी जानकारी में, दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल पर नकेल कसे जाने पर असर होने पर भी परीक्षा के दौरान दिखा और बाद में मूल्यांकन में भी। अब रिजल्ट आने से पहले विद्यार्थी नियमों की जानकारी में उलझे हैं, तो कितने विषयों में फेल होने में कम अंक आने पर भी उन्हें पास माना जाएगा, ऐसे विद्यार्थी यूपी बोर्ड कार्यालय और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं। यानी बच्चों को नहीं पता है कि कितने नंबर लाने हैं पासिंग मार्क्स के और कितने नंबर में हम पास होंगे हर एक सब्जेक्ट में। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हाई स्कूल में 6 विषय होते हैं। यूपी बोर्ड के नियमों के मुताबिक अगर कोई 5 विषयों में पास है, किसी एक विषय में फेल होता है तो फिर पेपर में अनुपस्थित रहता है तो भी वह पास माना जाएगा। अगर वह चाहे तो एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकता है। ये तो हो गई हमारी हाई स्कूल की बात। उसके बाद इंटर वालों की बात करते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई से कराई जाती है। दूसरी तरफ अगर विद्यार्थी हाई स्कूल के 2 विषय में फेल हो जाता है तो एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा देने पर अवसर मिलेगा, केवल एक पर, एक पे नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसमें उत्तीर्ण होने के बाद उसे पास की मार्कशीट मिल जाएगी, भले ही वह दूसरे विषय में फेल ही हो दोस्तों। वहीं इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर में परीक्षार्थी 8 ग्रेस अंक मिलेंगे, आप सभी को 8 नंबर ग्रेस अंक मिलेंगे। हालांकि अगर परीक्षार्थी ग्रेस अंक के साथ भी फेल होने की स्थिति में है तो उसे फेल माना जाएगा। ये इंटर वालों के लिए काफ़ी करारा झटका दिया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से। इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा देने की व्यवस्था नहीं होती है। जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश चौधरी ने बताया है कि यूपी बोर्ड में पास होने के नियमों में बदलाव की जानकारी विद्यार्थियों को पता ही नहीं थी। इंटरमीडिएट वालों के लिए अगर आपको पता है कि आपको 8 नंबर मिल रहे हैं तो अगर आप 8 नंबर में भी पास नहीं माने जाओगे तो पूर्णतः आप फेल माने जा रहोगे दोस्तों। तो आप लोग कॉपी में अगर मतलब भर का लिख के आए होगे तो सभी लोग पास होगे, अगर नहीं भी लिख के आओगे तो 8 नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर इन 8 नंबर के देने के बावजूद अगर आप फेल हो तो हमेशा के लिए आप इंटर में फेल कर दिए जाओगे हर एक सब्जेक्ट में। तो बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के उत्तीर्ण वाला है उसमें 33% अंक निर्धारित किए हैं। सभी विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत लाना अनिवार्य है। उम्मीद है कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि रिजल्ट आखिरी सप्ताह यानी कि अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है उसमें रिजल्ट घोषित करने की पूरी आशंका यहाँ पे बताई जा रही है। इस बार 80,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों का आने वाला है। फिलहाल दोस्तों हाई स्कूल वालों के लिए ठीक ठाक है, लेकिन इंटर वालों के लिए ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि इंटर वालों को केवल 8 नंबर दिए जाएंगे और उनको परीक्षा भी नहीं दी जाएगी। यानी कि जो एक एक्स्ट्रा परीक्षा करवाई जाती है इंटर वालों की, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो इंटर वालों अगर आप सभी ने अच्छे से लिख के आया होगा तो उम्मीद कीजिए आप सभी लोग पास हो जाएंगे। हाई स्कूल वालों को तो फिलहाल अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो उनकी परीक्षा दोबारा कराई जा सकती है। परीक्षा आपकी जुलाई से है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही काम का वीडियो है। व्हाट्सएप पर ज़रूर मार देना यानी कि शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करना अपने सभी दोस्तों को जो इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा को दिए हैं, ताकि उन सभी को ये नियम पता लग सके। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।